क्या आप गलत तरीके से अलंकार के अभ्यास करते हैं? अगर आप गलत तरीके से अलंकार के अभ्यास करते हैं तो जीवन भर बंसी सही से नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। रॉन्ग प्रैक्टिस से अलंकार के अभ्यास करने से ये आपको बंसी में आगे बढ़ने नहीं देगा, बंसी में आगे बढ़ने के लिए ये रुकावट होगा। आप खुद से बंसी में गाना नहीं बजा पाएंगे, अगर बजाएंगे भी तो कुछ आधा अधूरा लगेगा, फीका फीका लगेगा। अब रहा सही तरीके से अलंकार के अभ्यास क्या होता है, गलत तरीके से अलंकार के अभ्यास क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप सही तरीके से अलंकार के अभ्यास क्या होता है, गलत तरीके से अलंकार के अभ्यास क्या होता है ये जान लेंगे तो आपको बंसी वादन में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रुक पाएगा। सही तरीके से अलंकार के अभ्यास क्या होता है, गलत तरीके से अलंकार के अभ्यास क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को पहले से लास्ट तक ध्यान से। दोस्तों, लेसन स्टार्ट करने से पहले आइए मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। प्रणाम, मैं हूँ प्रदीप कुमार फाइक, संबलपुर ओडिशा के निवासी, बंसी के एक छोटा सा कलाकार जो आपको बंसी सिखाने की, बंसी वादन सिखाने की दुस्साहस करता हूँ। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। स्वागत करता हूँ मेरे और आपके इस चैनल प्रदीप कुमार फाइक द म्यूजिक पर, जहाँ पर मिलता है म्यूजिक रिलेटेड कई सारे लर्निंग वीडियो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के। और दोस्तों, अगर आप म्यूजिक में रुचि रखते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, बंसी वादन सीखा करना चाहते हैं, कीबोर्ड बजाना सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और साइड में है बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों, और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। सही तरीके से अलंकार के अभ्यास क्या होता है और गलत तरीके से अलंकार की अभ्यास क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सीरियसली बंसी वादन सीखा करना चाहते हैं, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं जो अलंकार बोल रहा हूँ, अलंकार कैसे प्रैक्टिस करते हैं, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आइए जानते हैं सही तरीके से अलंकार के अभ्यास क्या होता है, गलत तरीके से अलंकार के अभ्यास क्या होता है बांसुरी में। जैसे कि पहला अलंकार होता है सा रे गामा पा धा नी सा सानी धापा मागा रेसा। पहले वाला है आरोह, सेकंड वाला है अवरोह। इसको बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट तक सब पहले प्रैक्टिस करते हैं। सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागा रेसा, कैसे सुर में बजाते हैं बंसी को, कैसे सुर में बजाते हैं, कैसे ताल में बजाते हैं, इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। ये तो आप जनरली सब करते होंगे, क्योंकि ये सारे गामा पाधा निसा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सानी धापा मागा रेसा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस अलंकार को हम जनरली कहरवा ताल या त्रिताल में अभ्यास करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप इसको ताल में अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आज से ताल में अभ्यास करना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ताल से अभ्यास नहीं करेंगे तो आप जो गाना आप बजाना चाहते हैं खुद से, अगर आप ये पहले से नहीं प्रैक्टिस किए होंगे तो बाद में आपको ये प्रॉब्लम खड़ा करेगा, आप गाना बंसी में नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि अलग अलग तालों से अलग अलग गाना होता है, इसलिए आपको पहले ताल का भी ज्ञान होना चाहिए। आपके साथ ये डिस्कस करने के लिए मैं स्केल लिया हूँ नेचुरल सी के, फ्लूट भी लिया हूँ नेचुरल सी के। आपके बैकग्राउंड में एक जो साउंड सुनाई दे रहा है वो बज रहा है त्रिताल 140 बीट पर मिनट। इस त्रिताल में हम अलंकार की अभ्यास करते हैं। अगर आप इसको ताल के साथ प्रैक्टिस अभ्यास नहीं कर रहे हैं, इस अलंकार को आज से ताल के साथ अभ्यास कीजिए। देखिए, गलतियां कहाँ होता है ये नहीं बताया हूँ, बताऊंगा बाद में। अलंकार के अभ्यास कैसे करते हैं, एक बीट में एक स्वर, ता दिन दिन धा ता दिन दिन धा ता तिन तिन ता दिन दिन धा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ये त्रिताल बज रहा है। सारे गामा प
पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। एक बीट में एक सुर बजाइए। जनरली आप भी बजाते होंगे, मैं ये भी जानता हूँ आप ताल के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, आप ताल के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ताल कहाँ पर मिलेगा आपको? अपनी प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर तालमाला का बहुत एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, उसको स्टार्ट करके 140-120 BPM रखिए, उसके साथ आप बजाइए। पहले सारे गामा पादा निशा सानी धापा मागा रे सा, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा अलंकार है पाधा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। देखिए इस अलंकार का नोटेशन आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, इसको हम कर रहे हैं अभ्यास त्रिताल में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा आ आ आ आ बोल रहा हूँ। आपको जो नोटेशन दिखाई दे रहा है उसमें दो लाइन गैप दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? ये जो ताल है 16 मात्रा की त्रिताल, इस 16 मात्रा की एक आवर्तन इसको कंप्लीट करने के लिए ये दो मात्रा हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा आ आ। जो अलंकार बनाया गया है ये 14 मात्रा का अलंकार है, इसको 16 मात्रा करने के लिए दो मात्रा हम आगे बढ़ेंगे। कैसे करेंगे? सा खाली जो दो लाइन दिखाई दे रहा है आप उसको लंबा करेंगे, खाली दो बीट में दो मात्रा में इसको लंबा करेंगे। ऐसा करने से आपका ताल का आवर्तन ज्ञान बढ़ेगा। एक ताल में जो 16 मात्रा होता है उसे कैसे कंप्लीट करेंगे ये ज्ञान आपका बढ़ेगा। अगर इसी तरह से आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं, इसको हम रूल रेगुलेशन के हिसाब से सीखना चाहिए। अब देखते हैं अलंकार नंबर 3। गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा। आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा इसका नोटेशन, सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा, ये जो है ये 12 नंबर मात्रा में 12 नंबर बीट में ये खत्म हो जा रहा है, लेकिन हम बजा रहे हैं त्रिताल में। ये कंप्लीट करने के लिए हम 4 लाइन लास्ट स्वर को हम लॉन्ग करना है। देखिए आप ये जो अभ्यास कर रहे हैं, आप बिगनर से थोड़ा
एडवांस लेवल का अभ्यास कर रहे हैं, ताल में ताल को कैसे आवर्तन में कंप्लीट करेंगे अपने अलंकार को, ऐसे अभ्यास कीजिए। ऐसे अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आज से ऐसे प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। दोस्तों आशा करता हूँ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप उसे समझ रहे हैं। मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ताल के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्यूचर में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप गाना नहीं बजा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरा एक सुंदर सा वीडियो में। तब तक मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।